और स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास शो में। आपके साथ मैं हूँ दीपिका यादव। रूस यूक्रेन जंग के 13वें महीने में कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जिससे दुनिया दो धड़ों में साफ पड़ती हुई नजर आ रही है। पहला बड़ा एक्शन उस वक्त हुआ जब अमेरिका ने चीन के जासूस गुब्बारे को हवा में मार गिराया और यहां से अमेरिका और चीन के बीच जो दूरी है वो बढ़ने लगी। चीन के टिकटॉक पर भी अमेरिका से लेकर के यूके तक बैन लगाया गया है और इसके बाद रूस ने अमेरिका के ड्रोन को ब्लैक सी में मार गिराया और अमेरिका और रूस के बाद पहली बार सीधा टकराव देखा गया है जहां पर रूस और अमेरिका फिजिकल फॉर्म में एक दूसरे के आमने सामने थे। ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन था और अब अमेरिका और वेस्ट के तीन दुश्मन रूस, ईरान और चीन अरब सागर में युद्ध प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहीं चीन के राष्ट्रपति युद्ध के बीच पहली बार रूस की यात्रा पर आ रहे हैं। तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाएं और गहराती जा रही हैं। आज इसी सब्जेक्ट पर बात करेंगे लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन वॉर जोन से इस साल की सबसे बड़ी जानकारी मिल रही है। युद्ध के बीच पहली बार यूक्रेन पहुंचे हैं पुतिन। यूक्रेन के मारियोपोल पहुंचे हैं पुतिन। हेलीकॉप्टर से मारियोपोल पहुंचे हैं पुतिन ने। मारियोपोल की सड़कों पर कार भी चलाई है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। यूक्रेन वॉर जोन से साल की सबसे बड़ी खबर इसे आप मान सकते हैं क्योंकि युद्ध के बीच पहली बार यूक्रेन पहुंचे हैं पुतिन। यूक्रेन के मारियोपोल पहुंचे हैं पुतिन। तो हेलीकॉप्टर से मारियोपोल पुतिन पहुंचे हैं और पुतिन ने मारियोपोल की सड़कों पर कार भी चलाई हैं और आगे उनकी क्या मीटिंग्स रहते हैं, कहां कहां का वो दौरा करते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल यूक्रेन के मारियोपोल पुतिन पहुंचे हैं और इसके अलावा क्या वो यूक्रेन के दूसरे शहरों में भी जाएंगे, ये भी जानने की बात होगी। और साथ ही ड्राइविंग सीट पर आप देख सकते हैं पुतिन को, जिन्होंने खुद कार ड्राइव की है। ये विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ करके पुतिन ने यूक्रेन के मारियोपोल शहर में कार चलाई है। इसका मकसद क्या है, क्या संदेश देने की कोशिश यहां पर व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं, ये भी आगे हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये देख सकते हैं व्लादिमीर पुतिन का ये काफिला जिसमें खुद उन्होंने ड्राइवर को वहां से हटा करके खुद ड्राइविंग सीट पर वो बैठे और मारियोपोल शहर में कार चलाते हुए नजर आए पुतिन। और चलिए आपको मैप के जरिए बताते हैं कि कैसे पुतिन जेलेंस्की की जमीन पर पहुंचे हैं। 18 मार्च वो तारीख है जब रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन से छीन लिया था। ठीक 9 साल पहले 2014 में रूस ने क्रीमिया को अपने कब्जे में कर लिया था और इसी मौके पर पुतिन पहले क्रीमिया पहुंचे और उसके बाद यूक्रेन के मारियोपोल शहर। पुतिन क्रीमिया से हेलीकॉप्टर के जरिए मारियोपोल पहुंचे हैं। पुतिन पहले मॉस्को से क्रीमिया पहुंचे और यहां के डिप्टी पीएम से उन्होंने मुलाकात की है, कई जगहों पर जश्न में शामिल भी हुए और उसके बाद क्रीमिया से वो हेलीकॉप्टर के जरिए यूक्रेन के डोनेट्स्क पहुंचे थे। मारियोपोल में उनका जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड हुआ और वहां से वो कार के जरिए होते हुए निकल गए। तो देखिए यूक्रेन और यूक्रेन के ये अलग अलग शहर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें मारियोपोल है, ब्लैक सी ये इलाका और जिसमें क्रीमिया और ये साथ मॉस्को। पुतिन जब मारियोपोल पहुंचे तो ये देखना बहुत दिलचस्प हुआ, ये तस्वीर जो सामने आई जिसमें खुद ड्राइविंग सीट में बैठते हुए पुतिन वहां पर नजर आए और मारियोपोल का उन्होंने दौरा किया। क्या दूसरे शहर में भी वो यूक्रेन के जाने वाले हैं ये हम आगे बताएंगे, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां पर पुतिन घूमे हैं और लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, बातचीत की। एक तरफ रूस और यूक्रेन का बीच ये महायुद्ध चल रहा है, वॉर लगातार चल रहा है, मिसाइलें दागी जा रही हैं। ऐसे में पुतिन का यहाँ पर आना, यूक्रेन में आना और उसके कई अलग अलग शहरों पर उनका घूमना, लोगों से बातचीत करना, अपने आप में कई बड़े संदेश देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन गरजती तोपों और बरसते गोलों के बीच पुतिन का अचानक से यूक्रेन की धरती पर पहुंचना सबको हैरान कर रहा है। तभी पुतिन को दुनिया का सबसे डेयरिंग प्रेसिडेंट कहा जाता है। अब आपको बताते हैं कि पुतिन की यूक्रेन विजिट के बारे में आखिर क्या जानकारी मिल रही है। युद्ध के बीच अचानक से यूक्रेन पहुंचे व्लादिमीर पुतिन, क्रीमिया से हेलीकॉप्टर के जरिए वो मारियोपोल पहुंचते हैं और वहां पर खुद वो ड्राइव करते हैं। पुतिन ने खुद कार चलाकर के कई जिलों का दौरा किया है। पुतिन ने डोनेट्स्क प्रांत के कई ऐसे जिले हैं जहां का दौरा किया है। पुतिन ने कई जगह कार रोक करके सिविलियन से, यानी कि वहां के जो नागरिक हैं उनसे भी बातचीत की है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसे सुना है। पुतिन ने मारियोपोल में कई अस्पताल, स्कूल का भी दौरा किया है। कई ऐसे अस्पताल और स्कूल इस युद्ध के बीच
जहां पर हालात बहुत बुरे हो गए, लेकिन अब आपको दिखा रहे गरजती तोपों और बरसते गोलों के बीच जो हालात नजर आ रहे हैं दोनों देशों के बीच, ऐसे में पुतिन अचानक से यूक्रेन पहुंच जाते हैं जो कि सबको चौंका देता है। पुतिन को दुनिया का सबसे डेयरिंग प्रेसिडेंट इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि कब, कहां और क्या एक्शन वो ले लें इस पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। अब देखिए पुतिन जिस तरीके से यूक्रेन के अलग अलग लोकेशंस पर, कई इंपॉर्टेंट शहर पर वो पहुंचे हैं, वहां पर आम नागरिक से वो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरे विश्व में, पूरे देश में वो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, क्या कहेंगे पुतिन के इस दौरे को देखते हुए आप, क्या मैसेज यहां पर इसके पीछे पुतिन देने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर जाना, मारियोपोल में लोगों से बातचीत करना और खुद कार ड्राइव करना? धन्यवाद। इसमें कोई शक नहीं कि जो पुतिन है उनका जाने का मकसद ही, मैसेजिंग ये है कि उनका जो चार रीजन है और खासकर जो क्रीमिया है उसके ऊपर उनका पूरा कब्जा है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। चाहे जेलेंस्की या फिर पश्चिमी देश एक तरीके से आवाज उठाए कि क्या कैसे मध्यस्थता तभी हो सकती है या शांति तभी आ सकती है जब रूस जो है क्रीमिया और जो चार रीजन है, डोनेट्स का रीजन, पूरा डॉनबास का रीजन, ज़ापोरिजिया और खेरसोन, वो वापस कर दे। वो होने का नहीं। यही कारण है कि पुतिन जो है वहां पे गए, मारियोपोल में लैंड किया, उधर बच्चों के जो उन्होंने कार्रवाई देखी, बच्चे क्या कर रहे हैं वो देखा उन्होंने, जिस तरीके से वो घूमे, मेयर के साथ मिले, ये साफ दर्शाता है पुतिन जो है एक तरीके से मैसेज दे रहे हैं विश्व को कि उनका पूरा का पूरा, चाहे वो ब्लैक सी पेनिनसुला हो या फिर क्रीमिया हो, उसके वो पूरा दबदबा है। और किसी तरीके से भी अगर कोई सोचता है कि पुतिन जो है या रूस जो है वहां से हिल जाएगा या वापस आ जाएगा, या जैसे जेलेंस्की चाहते हैं 1991 का जिस प्रकार से सोवियत यूनियन जो बिखरा था वो यूक्रेन मिलेगा, वो भूल जाए पुतिन का पूरा कब्जा क्रीमिया पर है, पुतिन का पूरा कब्जा ब्लैक सी पेनिनसुला पर है, पुतिन का पूरा कब्जा वो चार रीजन्स है जहां पे पुतिन ने वोटिंग कराया था, चाहे कैसे भी कहे तो उसके ऊपर उनका है, जहां पे आज की तारीख में भी बखमूत पे जो है जबरदस्त लड़ाई हो रही है जिसके कारण भी ज़ेलेंस्की जो है बैकफुट के ऊपर है। तरीके से आप कह रहे हैं कि कब्जे की बात यहाँ पर रूस तो कह ही रहा है कि यूक्रेन के कई ऐसे इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, कई बड़े बड़े ऐसे शहर हैं जहाँ पर रूस कब्जे का दावा कर रहा है, लेकिन ये मारियोपोल की अगर हम बात करें पर्टिकुलर, तो यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बमबारी हुई थी, वहां के नागरिकों के पास जाना, उनसे बातचीत करना, इसके पीछे का क्या संदेश हो सकता है? यही कारण है कि अगर जैसे हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, से बाकपूत है 70,000 लोग थे, आज या वहां पे 3,000 लोग, मारियोपोल इतने सारे लोग वहां पे, पूरा मैं कह रहा पूरा विध्वंस हो गया वहां का शहर, लेकिन अब पुतिन का कब्जा है। और यही कारण है वहां पे रूसी जो भाषा बोलने वाले लोग हैं या जो रूसी भाषा नहीं भी बोलते हैं, जिनका झुकाव रूस की तरफ है, वो साफ दर्शाता है कि पुतिन का जो पूरा कब्जा जो है, पूरा जो दबदबा है, चाहे मारियोपोल में हो या क्रीमिया में हो, चाहे फिर बाकी रीजन में हो, मुझे कोई शक नहीं कि आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके पुतिन उस वॉर जोन में भी जाने लगेंगे जहां पे लोगों को लगता है कि सिर्फ ज़ेलेंस्की जाते रहते हैं देखने के लिए कि ईस्टर्न रीजन में क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं पुतिन पूरे विश्व को कि ये जो लड़ाई है, जो रूस के अस्तित्व को मिटाने वाली जो लड़ाई पश्चिम देशों ने और खासकर अमेरिका ने साथ देकर के छोड़ी है, वो उसमें वो कामयाब नहीं हो सकते। और अब जब पुतिन को मिलने के लिए शी जिनपिंग खुद जा रहे हैं, 4 साल के बाद पहला उनका विजिट होगा, ये भी दर्शाता है कि दोनों दोस्ती जो है दोनों देशों के बीच, और इस तरीके से जो पूरे ठीक है। संजय जी, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, कुछ और पहलुओं को भी आपके जरिए हम समझेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि शी जिनपिंग की मॉस्को यात्रा फाइनल हो चुकी है। 24 घंटे बाद मॉस्को पहुंचेंगे जिनपिंग, 20 मार्च को मॉस्को पहुंचेंगे जिनपिंग, 3 दिन रूस में ही वो रहने वाले हैं, 20 से 22 मार्च तक रूस में ही रहने वाले हैं जिनपिंग। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा संदेश, और देख सकते हैं आप ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से साथ रहने का संदेश पहले भी चीन दे चुका है रशिया का। शी जिनपिंग की मॉस्को यात्रा फाइनल हो चुकी है, 24 घंटे बाद मॉस्को पहुंच जाएंगे जिनपिंग, 20 मार्च को मॉस्को में वो पहुंचेंगे और 3 दिन तक रूस में ही रहने वाले हैं, 20 से 22 मार्च तक रूस में रहने वाले हैं जिनपिंग। चूंकि एक संदेश यहां पर देने की कोशिश की जा रही है जिस तरीके से युद्ध यहां पर चल रहा है। तो देखिए
पुतिन और जिनपिंग मिलेंगे तो क्या वेस्ट के जो दिल हैं वो भी मिल जाएंगे? तीसरे बार राष्ट्रपति बनने के बाद जिनपिंग का ये मॉस्को दौरा होने वाला है। 20 मार्च को मॉस्को पहुंच जाएंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और 10 सालों में ये 40वीं बार है जब प्रेसिडेंट पुतिन से जिनपिंग की ये मुलाकात होने वाली है। यूक्रेन पर हमले से पहले भी हुई थी दोनों नेताओं की मुलाकात। फरवरी 2022 में दोनों देश के बीच नो लिमिट्स पार्टनरशिप हुई थी। जिनपिंग से मीटिंग के बाद ही पुतिन ने यूक्रेन पर अटैक किया था, और फरवरी 2023 में चीन के विदेश मंत्री ने भी मॉस्को यात्रा की थी। तो चीन ने जिनपिंग के मॉस्को विजिट को ए जर्नी ऑफ फ्रेंडशिप नाम दिया था। अब जब ये दोनों मिलेंगे तो उसके बाद क्या मैसेज देने की कोशिश की जाएगी? संजय जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, जिनपिंग के इस दौरे को देख किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, पश्चिमी देशों के अगर हम नजरिए से देखें तो उनको लगता है ये शक्या है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि चीन ने कभी भी ये माना नहीं कि रूस ने इन्वेशन किया है, वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, और रूस की निंदा शी जिनपिंग ने या चीन ने नहीं की है। उन्हें ये भी लगता है कि चीन जो है सहायता करता है रूस की, और इस संदर्भ में धीरे धीरे अगर हम देखें तो चीन का रूस के साथ जो ट्रेड है वो तकरीबन 190 बिलियन डॉलर्स हो गया है। युआन वाला जो ट्रेड है वो पहले 0.5% था, अब वो 16% हो गया, यानी डॉलर के ऊपर निर्भरता दोनों देशों की बहुत कम हो रही है। ऐसे संदर्भ में चाहे कितना भी कुछ कहे विश्व को, अपना पश्चिमी देशों को लगता है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो चाहे करे, चाहे सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक मध्यस्थता करने का चीन ने बहुत बड़ा मैं कहूंगा कदम उठाया है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच का जो मकसद है, क्योंकि जिस प्रकार से अपने जेलेंस्की है उनको उकसाया जा रहा है कि वो लड़ते रहे, उनको जो भी सामग्री है वो मिलती रहेगी, वो चिंता ना करे, वो सिर्फ अपने नागरिकों को आगे रखे और सामग्री पश्चिमी देशों से मिलती रहेगी और रूस के अस्तित्व को मिटाते रहे। ऐसे माहौल में कौन मध्यस्थता, और मध्यस्थता करनी है तो किसके लिए? एक तरीके से शांति प्रदान करने के लिए। शांति तो आएगी नहीं, क्योंकि एक जो गुट है वो चाहता है लड़ते रहे, दूसरा गुट अगर चाहता है कि शांति चाहिए, इसका मतलब पश्चिमी देशों को ये लग रहा है कि अब रूस जो है शायद बैकफुट पर है, रूस के जो रिसोर्सेज है शायद कम होते आ रहे हैं। इसलिए इस तरीके से रूस ने अपने दोस्त चीन के द्वारा एक मध्यस्थता करने की बात की है जिससे कि विश्व में शांति हो, पर ये शांति मुश्किल है, क्योंकि एक तरीके से देखें तो जेलेंस्की के पास आज कुछ भी नहीं है सिवाय यूक्रेनियन नागरिक, और वो यूक्रेनियन नागरिकों को इतने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मिलिट्री सामग्री मिल रही है, खाने पीने को मिल रहा है, ह्यूमन राइट्स के लिए और दुनिया भर की चीजें मिल रही है। इसके साथ अब रूस जो है जरूर थोड़ा सा बैकफुट पर है। जैसे मैंने कहा, रूस का जो ट्रेड है या एनर्जी है वो भारत के साथ है, चीन के साथ है, तुर्की के साथ है, लेकिन जो नॉर्मल सप्लाई लाइंस है, कितना भी कहे चीन को डर है कि अगर वो सप्लाई लाइंस रूस को देता है तो ऐसा ना हो जाए कि चीन के ऊपर भी सैंक्शन लग जाएंगे या उन कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लग जाएंगे। रूस अब चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो तीसरी बार आए हैं, उन्हें लगता है कि अब तो वो इतने महान बन गए हैं कि उनको अब कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसे हालात में एक बहुत टाइट रोप वॉकिंग चल रहा है, चाहे वो शी जिनपिंग का हो चाहे रूस का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि जनता और नागरिक के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा, और शांति को लेकर के मध्यस्थता भी यहाँ पर कोई कर नहीं रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन रूस यूक्रेन जंग में शांति दूत बनेगा चीन, जेलेंस्की से भी बात करेंगे जिनपिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। दरअसल ये बातचीत होने वाली है, मॉस्को दौरे पर जेलेंस्की से भी बात करेंगे जिनपिंग। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है कि रूस यूक्रेन जंग में शांति दूत बनेगा चीन, किस तरीके से वो भी हम आपको बता रहे हैं। जेलेंस्की से भी बातचीत करने वाले हैं जिनपिंग इस युद्ध के बारे में, इस युद्ध को लेकर की बातचीत वो करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उनकी ये बात जेलेंस्की से होने वाली है, मॉस्को दौरे पर जेलेंस्की से बात करेंगे। तो शांति दूत या फिर चीन क्या दिखाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है, ये उनके इस दौरे को देखते हुए बात भी पता चलेगा। लेकिन इस बीच
जिनपिंग की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ना फिर यूक्रेन, ना यूरोप, ना ही अमेरिका जिनपिंग के शांति प्रस्ताव पर भरोसा कर रहा है। चीन के 12 पॉइंट के शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ऐसा क्यों, ये भी हम आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करते हैं। जहां पर चीन ने कभी भी रूस के हमले का विरोध नहीं किया है, संयुक्त राष्ट्र में हमेशा रूस के साथ दिखा है चीन, और इसके साथ ही रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों का चीन ने हमेशा से विरोध किया है। यूएन की बात करें तो यहां पर भी चीन से पश्चिमी प्रतिबंधों के खिलाफ वोट किया गया, और रूस से भारी मात्रा में तेल और गैस खरीद रहा है चीन। इसके अलावा रूस को चाइनीज वेपन सप्लाई की भी खबरें सामने आती रही हैं इस युद्ध के दौरान। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि जिनपिंग की मंशा पर जिस तरीके से शांति की बात यहां पर वो करते हैं, लेकिन पीठ पीछे जो चीन के रवैया असर रहा है, ऐसे में भरोसा कर पाना चीन पर, चीन की बातों पर कि वो शांति का संदेश यहां पर लेकर आएंगे, इस युद्ध के बीच शांति लाने का काम वो करेंगे, ये हजम नहीं होती किसी को। बिल्कुल, आपका जो कहना है इसमें कोई शक नहीं, यह हजम हो नहीं सकता है, क्योंकि चीन जो है, चीन और रूस के बीच में अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो दोनों देशों के बीच में कोई अच्छे रिश्ते नहीं थे। अब ये तो मजबूरी वाले रिश्ते हो गए हैं, और कैसी मजबूरी, क्योंकि रूस के पास इतना इकोनॉमी नहीं है, और अब धीरे धीरे करते हुए चीन जो है नंबर 2/13 trillion उसकी जीडीपी है, तो एक बहुत बड़ा है। और चीन के साथ एक दोस्ती बनाना, मतलब बोलते हैं भालू होता है ना, भालू ने अगर पकड़ लिया तो मुश्किल हो जाती है, तो वो बेयर हग में जिसमें है, तो चीन के साथ दोस्ती दुश्मनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोस्ती अगर चीन चाहता है और दोस्ती कर रहा है तो ये रूस की भी मजबूरी है, क्योंकि वो रूस के साथ दोस्ती, चीन के साथ दोस्ती बनाना चाहता है, क्योंकि चीन अपने आप को पूरे विश्व का एक सेंटर पॉइंट मानता है, जिससे कि सारे इर्द गिर्द देश, चाहे वो उसके दोस्त हो जो भी हो, उससे नीचे हो, रूस ये मानने को तैयार नहीं होगा। यही कारण है कि इतने दशकों से चीन और रूस दोनों के एक तरीके से रिलेशनशिप थी, पर ये जो आप रिलेशनशिप नहीं हम देख रहे हैं, नो लिमिट रिलेशनशिप, बेस्ट फ्रेंड रिलेशनशिप, और इस तरीके से मदद, बहुत ही शकिया, बिकॉज चीन का कोई ना कोई मंशा होगी इसके नीचे, चाहे उसके विस्तारवाद की मंशा हो या साइबेरिया में हो, उसके जिस तरीके से मुझे लगता है लाखों एकड़ जमीन रूस की उन्होंने गिरवी दे रखी है चीन को उस इलाके में, जिस प्रकार से चीन चाहता है कि उसका इस्तेमाल करे ट्रेड के लिए, और ये बीआरआई को इस्तेमाल करे, तो जो चीन है इसको मुझे नहीं लगता है रूस भी चाहेगा दोस्ती, क्योंकि आज की तारीख में रूस के पास कोई चारा नहीं है, तो रूस दोस्ती करेगा, पर चीन के ऊपर पूरा विश्व को शक है कि अगर चीन को यह लगता है कि सऊदी और ईरान के बीच में वो मध्यस्थता कर सकते हैं, उसी प्रकार वो यूक्रेन के बीच के और करें, हो ही नहीं सकता। अगर होता तो बहुत पहले हो जाता। ज़ेलेंस्की अगर बात करते हैं रूस से, तो बहुत पहले, बिल्कुल सही कहा आपने कि सर अगर होना होता ऐसा तो वो बहुत पहले ही हो जाता। लेकिन आप समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जिनपिंग में मॉस्को दौरे से आखिर होने क्या वाला है, ये हम आपको ग्राफिकली समझाते हैं कि आखिर क्या होगा जब ये दोनों की मुलाकात होगी, और आखिर जिनपिंग के मॉस्को दौरे से क्या होने वाला है, क्या नतीजा निकलेगा। ये देखिए, अगर युद्ध भड़का तो क्या होगा, युद्ध यूरोप तक पहुंच सकता है अगर युद्ध भड़का, और अगर समझौता हो गया तो यूक्रेन वेस्ट के पाले से बाहर हो जाएगा, और इसके अलावा अगर बात करें युद्ध भड़का तो विश्व युद्ध की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जो वर्ल्ड वॉर की बात यहां पर कर रहे हैं, और साथ ही अगर समझौता हो गया तो अमेरिका का दबदबा कम हो जाएगा, और इसके साथ ही दुनिया को दो धड़ों में बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर युद्ध भड़का तो ऐसे ही सिचुएशन वहां पर बन जाएगी, न्यूक्लियर बम भी चल सकता है, और अगर समझौता हो जाता है तो चीन का कद ज्यादा बढ़ जाएगा, और इसके अलावा अगर युद्ध भड़का तो किस तरीके के हालात रहेंगे, अगर समझौता हुआ तो क्या सिचुएशन इस वॉर के जरिए दुनिया पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए सर, अगर जिस तरीके से युद्ध भड़कने की जो सिचुएशन है उसके जो रेप्लिकेशंस होंगे, उसके बाद जो हालात बनेंगे, और अगर समझौता अगर हो भी जाता है तो नागरिकों के लिए तो ये अच्छी बात है, लेकिन किससे इसका फायदा होगा। अगर मैं कहता हूँ, अगर सीज फायर होता है, समझते हैं कि सीज फायर होता है, यानी कि जो चार रीजन्स हैं, तो डोनबास के दो, ज़ापोरिजिया और खेरसोन, और अब धीरे धीरे जिस प्रकार से रूस सूमी में, खार्किव में और ओडेसा में लगा हुआ है, और जिस प्रकार से लड़ाई हो रही है, अब पिछले 24 घंटे 48 घंटे में देखिए किस प्रकार से जबरदस्त आर्टिलरी शेलिंग यूक्रेन के ऊपर हो रहा है, ये साफ दर्शाता है कि यूक्रेन को जो भाग यूक्रेन ने खो दिए हैं
वो तो यूक्रेन को मिलने वाले नहीं है। अगर यूक्रेन को मिलने वाले नहीं है और यूक्रेन लड़ रहा है क्योंकि उसको वो भाग चाहिए, तो शायद यूक्रेन की मदद पश्चिमी देश कर रहे हैं, तो पश्चिमी देशों को उसमें कोई मैं कहूंगा कोई ये नहीं, फायदा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे हालात में एक ही है कि रूस का पलड़ा जरूर भारी हो जाएगा अगर चारों प्रदेश और क्रीमिया और अपना ब्लैक सी का पूरा पेनिनसुला ओडेसा सब इसके पास रहता है, तो रूस को जो चाहिए था वो रूस को मिल गया, रूस के अस्तित्व जो है वो जाहिर सी बात है, रूस जो पावर पूरी दुनिया में दिखाने की कोशिश कर रहा था वो भी कहीं ना कहीं उसमें सफलता उसे मिलती हुई नजर आ रही है। सर आप बने रहिए हमारे साथ इस पूरी चर्चा में, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे और ये बड़ी कवरेज लगातार टाइम्स ऑफ भारत पर जारी है।